गुड इवनिंग बच्चों बच्चों आज हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं गे लुसाक लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, गे लुसाक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। ये बच्चों हमारा फोर्थ लॉ है केमिस्ट्री का, फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास का, जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर तीन लॉज हम पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। और ये लास्ट लॉ है बच्चों हमारा सबसे इजी और सबसे सिंपल लॉ है गे लुसाक लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, या फिर गे लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम कहते हैं इसको। ये क्या कहता है बच्चों लॉ, ये बहुत सिंपल कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस गैसेस कंबाइन इन ए रिएक्शन, जो गैसेस कंबाइन होती हैं किसी भी रिएक्शन में एंड फॉर्म द प्रोडक्ट, और क्या बनाती हैं, प्रोडक्ट बनाती हैं इन सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, वो हमेशा सिंपल रेशियो में कंबाइन होती हैं। मतलब जब भी गैसेस आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाएंगी तो वो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग सिंपल रेशियो में बनाएंगी, उनका जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वो सिंपल रेशियो होगा, होल नंबर रेशियो होगा, वो फ्रैक्शन में नहीं होगा, ये कहना चाहता है बस ये। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, और प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, होने चाहिए, इस कंडीशन में ही ये लॉ लागू होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बच्चों, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ, ये हमारा एग्जाम्पल है, हमने गैस हाइड्रोजन गैस ली H2 प्लस Cl2 गैस ली, क्लोरीन गैस ली Cl2 और प्लस में HCl। तो आपको पता है ये रिएक्शन आपने पढ़ी होगी 10th स्टैंडर्ड के अंदर, H2 प्लस Cl2 क्या आता है हमारा, 2HCl आता है बैलेंस करने के बाद। अब आप देखें तो जरा बच्चों, इसके अंदर यहाँ पर H2 के आगे कुछ नहीं लिखा तो मतलब 1 है, 1 वॉल्यूम, Cl2 के आगे कुछ नहीं लिखा तो मतलब 1 वॉल्यूम है, और HCl के आगे बैलेंस करने के बाद कितना लिखा हुआ है बच्चों, 2 लिखा हुआ है, तो मतलब इसका वॉल्यूम कितना है, 2 है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब इसका बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग रेशियो कितना आएगा, 1 1 और यहाँ पर 2, तो 1:1:2 आ गया, मतलब कि सिंपल रेशियो आया बाय वॉल्यूम। सिंपल रेशियो का मतलब है बच्चों वो होल नंबर में होगा, वो कंप्लीट नंबर में होगा, वो फ्रैक्शन में या डेसिमल में नहीं होगा। यही सिंपल सा लॉ है बस कि गैसेज जब भी कंबाइन होंगी, हाइड्रोजन गैस कंबाइन हुई क्लोरीन के साथ तो क्या बनाएंगी, और प्रोडक्ट बनाएंगी, प्रोडक्ट बनाया इन्होंने हाइड्रोजन क्लोराइड HCl बनाया, और जब भी वो इस तरह से कर, मतलब जब भी गैसेस आपस में कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना रही होंगी तो वो सिंपल रेशियो में कंबाइन होंगी बाय वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम के अनुसार, आयतन के अनुसार उनका जो रेशियो होगा वो हमेशा कैसा होगा, सिंपल होगा, होल नंबर होगा, कंप्लीट नंबर होगा एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। यही हमारा है गे लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, आपको पता होगा ये भी रिएक्शन हमारी नाइट्रोजन गैस N2 प्लस H2 गैस हाइड्रोजन गैस, और दोनों गैसों ने मिलकर बनाई अमोनिया गैस NH3, याद रखेंगे अमोनिया का फॉर्मूला NH3। जब इनको बैलेंस करते हैं बच्चों हम, तो बैलेंस करने के बाद हमारा क्या होता है आप देखें, तो यहाँ पर N2 1 रहेगा, हाइड्रोजन 3 हो जाएगा और NH3 2 हो जाएगा। आप इस कंबाइन रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं जैसे आपने 10th में केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना सीखा हुआ है। तो अब देखें बच्चों नाइट्रोजन का वॉल्यूम कितना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 है, तो 1 हो गया। यहाँ पर हमारा 1 हो गया। ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना है, यहाँ पर 3 नज़र आ रहा है, तो इसका कितना हो गया, 3 हो गया। और NH3 के आगे कितना नज़र आ रहा है, 2 नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर वॉल्यूम कितना हो गया, 2 हो गया। तो इनका बाय वॉल्यूम जो रेशियो आया बच्चों, बाय वॉल्यूम रेशियो आया 1:3:2। तो आप देख सकते हैं बच्चों ये जो 1:3:2 बाय वॉल्यूम, ये हमारा कांस्टेंट, सॉरी सिंपल रेशियो है बाय वॉल्यूम, ये कंप्लीट नंबर है, फ्रैक्शन में नहीं है, डेसिमल में नहीं है, होल नंबर है, इसलिए ये हमारा सिंपल रेशियो कहलाता है। तो यही हमारा गे लुसाक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम है कि जब भी गैसेस आपस में रिएक्ट करेंगी टू फॉर्म ए प्रोडक्ट तो वो हमेशा सिंपल रेशियो में कंबाइन होंगी टू फॉर्म द प्रोडक्ट। तो बच्चों ये बहुत सिंपल लैंग्वेज के अंदर मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको बहुत ईजिली केमिस्ट्री समझ में आ जाएगी, बहुत सबसे सिंपल लैंग्वेज, सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूँ मैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।